तो दोस्तों इस स्पीड टेस्ट में डिस्कस करेंगे कॉमन यूज से लेकर गेमिंग परफॉर्मेंस तक और मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस से लेकर एंड टू एंड बेंचमार्क स्कोर्स तक सारा कुछ यहां पर कंपेयर करने वाले हैं। रीस्टार्ट टेस्ट वगैरह सारा कुछ किया है और देखते हैं कि इन दोनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस ज़्यादा बेहतर है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो गैलेक्सी M34 में आपको मिलता है एक्सिनोस का 1280 प्रोसेसर, वहीं सैमसंग गैलेक्सी A34 में आपको मिलता है डायमेंसिटी का 1080 प्रोसेसर। दोनों ही डिवाइसेस के यहाँ पर 6GB रैम वाले वेरिएंट यूज किए गए हैं। तो चलिए इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं N22 बेंचमार्क से। N22 बेंचमार्क के इस टेस्ट में जो भी वीडियोस रिकॉर्ड होंगे गेमिंग से रिलेटेड या फिर कॉमन यूज से रिलेटेड, उन सब के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर बाद। सबसे पहले बात करते हैं N22 बेंचमार्क के टोटल की। तो M34 का टोटल है 484780, गैलेक्सी A34 का टोटल है 569072। कहने का मतलब N22 बेंचमार्क के इस टेस्ट के मुताबिक ओवरऑल परफॉर्मेंस में A34 M34 को बीट करता है। अब जरा स्कोर्स को एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि कॉमन यूज गेमिंग और मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस में दोनों डिवाइसेस कहां कहां कैसा परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं CPU स्कोर्स की, यानी कि कॉमन यूज की। इस कंडीशन में M34 का स्कोर है 146971, A34 का स्कोर है 173757। अब स्कोर्स के मुताबिक तो A34 बेहतर है M34 से, लेकिन अगर इस वीडियो को देखें जो कि दोनों ही डिवाइसेस के UI वाले पार्ट में रिकॉर्ड हुआ है, तो यहाँ पर दोनों पर ही लगभग सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है स्क्रोलिंग की। हालांकि दोनों पर ही लैग देखने को मिलता है, लेकिन अगर थोड़ा सा डीपली देखें तो A34 पर मुझे थोड़ा सा लैग कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू M34। हालांकि दोनों ही डिवाइसेस में आपको डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का ही देखने को मिलता है, और डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर मैंने टेस्ट से पहले ही दोनों का रिफ्रेश रेट हाई पर सेट कर दिया था। तो यहाँ पर अगर स्क्रोलिंग को कंपेयर करें दोनों की, तो मुझे A34 पर थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ स्क्रोलिंग देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू M34। अगर N22 बेंचमार्क के स्कोर्स के अलावा हम अगर इस वीडियो को देखें, यानी कि प्रैक्टिकली मैंने दोनों ही डिवाइसेस पर मैनुअली कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च करके देखे थे, जिनमें कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी थे, कुछ नेटिव एप्लीकेशंस भी थे, और ज़्यादातर कंडीशन में एप्लीकेशंस A34 पर जल्दी लोड हुए एज़ कम्पेयर टू M34। या तो कुछ एप्लीकेशन दोनों ही डिवाइसेस पर सेम टाइम पर ओपन होते हैं, या फिर ज़्यादातर एप्लीकेशन A34 पर ही पहले ओपन होती है। कहने का मतलब प्रैक्टिकली भी A34 थोड़ा सा फास्ट है M34 के कंपैरिजन में। दोनों ही डिवाइसेस पर मैंने रीस्टार्ट टेस्ट भी करके देखा, और उस रीस्टार्ट टेस्ट में भी A34 बहुत कम समय में ही, लेकिन फिर भी A34 थोड़ा सा जल्दी रीस्टार्ट हुआ M34 से। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो N22 बेंचमार्क का पूरा टेस्ट था वो भी A34 पर M34 से पहले फिनिश हुआ, वो भी समय बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, लगभग 1 मिनट का समय का डिफरेंस था। यानी सेम प्रोसेस जो A34 पर 11.5 मिनट में फिनिश होता है, वही सेम प्रोसेस M34 पर 12.5 मिनट में। कहने का मतलब डेली यूज में A34 ज़्यादा बेहतर डिवाइस रहेगा M34 के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के गेमिंग स्कोर्स, यानी कि GPU स्कोर्स की। गेमिंग स्कोर्स की बात करें तो M34 का स्कोर है 128308, A34 का है 143925, यानी कि यहाँ भी A34 का स्कोर ज़्यादा है। अगर इस वीडियो को देखें जो दोनों ही डिवाइसेस के GPU वाले पार्ट में रिकॉर्ड हुआ है, आप इसे मान सकते हो एक मीडियम ग्राफिक्स का गेम, क्योंकि एक 3D वीडियो है, और यहाँ पर दोनों पर ही देखें तो कोई लैग देखने को नहीं मिलता। दोनों ही डिवाइसेस पर यह वीडियो काफ़ी स्मूथ तरीके से प्ले होता है, और कोई भी यहाँ इशू दोनों में देखने को नहीं मिलता, ना ही कोई डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रैक्टिकली भी मैंने दोनों ही डिवाइसेस पर गेम प्ले करके देखा। गेम सेटिंग्स जब मैं हाई पर रखता हूँ, दोनों पर ही मैंने गेम सेम सेटिंग्स पर प्ले करके देखा, तो सबसे पहले भी जो आप गेम देख रहे हो M34 पर प्ले हो रहा है हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर, और यहाँ हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स में आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलता। गेम स्मूथली रन होता है, ग्राफिक्स भी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, कंट्रोल्स भी बड़ा अच्छा वर्क करते हैं। और जब मैं इस गेम को अल्ट्रा ग्राफिक्स पर रन करता हूँ, ये अभी जो आप गेम देख रहे हो ये A34 पर रन हो रहा है, तो अल्ट्रा ग्राफिक्स करने के बाद आपको दोनों ही डिवाइसेस पर लैग देखने को मिलता है, इशू देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ भी अगर गेमिंग परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, वहाँ दोनों ही काफ़ी कमाल के हैं, लेकिन हाई ग्राफिक्स गेमिंग में A34 पर आपको लैग कम देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू M34। यानी कि गेमिंग में भी A34 थोड़ा सा बेहतर है M34 के कंपेरिजन में। अब बात करते हैं मेमोरी स्कोर्स की, यानी कि रैम एंड रोम स्कोर्स की। तो M34 का स्कोर है 83509, A34 का स्कोर है 101725, यानी कि स्कोर्स के मुताबिक यहाँ भी A34 ज़्यादा बेहतर है M34 से। हालांकि स्कोर्स को अगर गौर से देखें तो A34 की रीड स्पीड ज़्यादा बेहतर है M34 से। मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस में आपको कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता,
दोनों ही डिवाइसेस पर आप एक अलग लेवल की मल्टीटास्किंग कर सकते हो और दोनों ही डिवाइसेस यहाँ काफ़ी कमाल का परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये स्पीड टेस्ट आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एकदम क्लियर बता दिया कि A34 गेमिंग में और कॉमन यूज में दोनों में ही M34 को बीट करता है। तो आपके सारे जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, फिर मिलते हैं ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।